Hello everyone, welcome to our channel Vedicol. So today we will start chapter 5 acid bases and salts. Okay, तो इसके हम important topics discuss करने वाले हैं for our exam. Important concepts देखते हैं क्या है. So without wasting any time, let's begin. Acid bases and salts, ये हमारे chapter का नाम है. इससे हम क्या समझ रहे हैं कि acid क्या है, base क्या है और सॉल्ट क्या है. सॉल्ट शायद आप लोग बताओगे कि जो हम नॉर्मली सब खाते हैं कि हम सॉल्ट्स नमक है ना, पर सिर्फ नमक एक सॉल्ट नहीं है. वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स, बहुत सारे सॉल्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है. और एसिड और बेसिस मतलब जो कुछ कंपाउंड्स हैं वो एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं. जैसे आपने नॉर्मली, अगर मैं नॉर्मल बात करूँ, आपने बोला होगा कि मेरे पेट में एसिड बन गया, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स में बहुत एसिड, कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं वो बहुत एसिडिक होती हैं. और बेसिस क्या है? बेस शायद यू मस्ट नॉट बी फेमिलियर विद द वर्ड बेस, कि बेस क्या है, ठीक है. बेसिस आपको शायद नहीं पता होगा, पर एसिड वर्ड आपने बोला होगा कि मेरे पेट में एसिड बन गया, गैस बन गई है ना. और उसको हम लेने के लिए क्या लेते हैं? इनो लेते हैं न्यूट्रल करने के लिए, कि जो इनो है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगी. तो यही टर्म्स न्यूट्रलाइज, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, इनको हम डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है. तो एसिड्स क्या होते हैं? एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो सॉर इन टेस्ट होते हैं. सॉर मतलब थोड़े खट्टे, जैसे कि आपका नींबू. नींबू के अंदर क्या प्रेजेंट है? आपकी सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है. कैसी है वो टेस्ट में? सबने नींबू खाया होगा है ना. लेमन आई नो कि सबने टेस्ट किया होगा, एंड इट इज सॉर इन टेस्ट, ठीक है. सो इट कंटेन्स एन एसिड, और उस एसिड का नाम क्या है? सिट्रिक एसिड. अब आपने क्या खाया होगा? आपने टमेटो खाया होगा, तो टमेटो में कौन सा एसिड प्रेजेंट है? टमेटो भी थोड़ा खट्टा सा होता है, मीठा तो नहीं होता ना. मैंगो हमारा खट्टा होता है, आंवला हमारा खट्टा होता है. सो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स जो कि हमारे खट्टे होते हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, और उन सब के अंदर क्या है? उसमें एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. जैसे मैंने बताया आपका टमेटो में टैमरिंड करके एसिड हमारी प्रेजेंट होती है, आंवला में एसिड है, और मौसमी है, ऑरेंज है, इन सब में क्या है? एसिड प्रेजेंट है, ठीक है. सो द सब्सटेंस दैट आर सॉर इन टेस्ट कंटेन एसिड्स, और उसके नेचर को, जो केमिकल नेचर है कि ये जो सब्सटेंस है ये हमारा, हम क्या बोल देंगे कि इट इज एसिडिक इन नेचर. क्या बोल देंगे? द सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर, कि जो उसका केमिकल नेचर है वो है हमारा एसिडिक. तो ये एसिड वर्ड कहाँ से आया? द एसिड वर्ड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसेयर. एसेयर जो है ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है सॉर, और सॉर से ही हमने फिर एसेयर से क्या कन्वर्ट कर दिया? एसिड, ठीक है. नाउ हैव यू एवर, नाउ हैव यू एवर टेस्टेड बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा कब यूज़ करते हैं? आपने देखा होगा, आपने छोले भटूरे खाए हैं, या केक खाया है, केक खाया है, ठीक है, ब्रेड खाया है. तो इसको बनाने के लिए, केक को फ्लफी बनाने के लिए, या फिर छोले भटूरे का जो आटा बनाते हैं, मैदा गूंथते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं? बेकिंग सोडा ऐड करते हैं कि वो थोड़ा फूल जाएगा, ठीक है. या फिर इडली बनाने के लिए भी हम इनो या बेकिंग सोडा ऐड करते हैं, बेकिंग पाउडर ऐड करते हैं. तो इसका क्या रोल है? ये क्या है हमारा? क्या ये सॉर है? आप इसको टेस्ट करके देख सकते हो, क्या ये सॉर है? नहीं, ये सॉर नहीं है, ठीक है. इट इज़ बिटर इन टेस्ट. आप देखोगे आपको ये थोड़ा सा कड़वा लगेगा, इट इज़ बिटर इन टेस्ट. और जो सब्सटेंसेस हमारे बिटर होते हैं टेस्ट में, हम उसको क्या बोलते हैं? बेसिस बोलते हैं. जनरली सब्सटेंसेस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी इन टच, और टच करने पे क्या है वो? फील सोपी, कि सोप जैसा टच अगर आएगा, स्लिपरी टच आएगा. सो दीज आर बेसिस, ठीक है. और इसको क्या बोलेंगे? इट इज बेसिक इन नेचर, ओके. आपको सब चीज़ें टेस्ट करके नहीं देखनी है, हम हर चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते. कुछ एसिड्स हमारे ऐसे हैं, कुछ बेसिस बहुत ऐसे सब्सटेंसेस हैं विच आर हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, हमें उससे नुकसान हो सकता है. सो हम इनको हमेशा टेस्ट करके तो नहीं डिसाइड करेंगे कि ये एसिड है या बेस है. तो क्या डिस्कवर किया हमने? इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स क्या है? जो हमें इंडिकेट करेंगे
कि ये एसिडिक है या बेसिक है. ठीक है, द सब्सटांसेस जो हमें बता रहे हैं, स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटांसेस आर यूज टू टेस्ट वेदर आर सब्सटांसेस एसिडिक और बेसिक. कि हम टेस्ट करने के लिए कुछ यूज़ कर रहे हैं कि वो बेसिक है या एसिडिक है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, इंडिकेटर बोलेंगे. जो इंडिकेटर्स हैं, दे चेंज द कलर व्हेन एडेड टू अ सोल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और अ बेसिक सब्सटेंस. हमने देखा एसिड और बेसिक सब्सटेंस क्या क्या है, तो मैं बता रही थी आपको इंडिकेटर क्या होते हैं, है ना. इंडिकेटर वो सब्सटेंस है जिससे हम पता कर सकते हैं कि एसिडिक है या बेसिक है. ठीक है, और हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हम हर सब्सटेंस को टेस्ट करके नहीं दे सकते, क्योंकि कुछ हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी होते हैं. सो इंडिकेटर्स क्या है कि वो कलर चेंज करते हैं. अगर एसिड कलर है, मतलब अगर हमारा सब्सटेंस एसिडिक है तो कोई और कलर शो करेगा, और बेसिक है तो वो दूसरा कलर शो करेगा. इससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेसिक है. ठीक है, सो हमारे इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज, दीज आर दी सम ऑफ द नेचुरली अक्रिंग इंडिकेटर्स. नेचुरली अक्रिंग के नेचर में अपने आप हमें मिलेंगे. ठीक है, अब देखते हैं कि टर्मरिक कैसे बनाते हैं हम, लिटमस क्या है. लिटमस हमें लाइकेन से मिलता है, और चाइना रोज आपको पता है हिबिस्कस फ्लावर जो होता है हमारा, वो भी हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर है. ठीक है, सो नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, फर्स्ट वन इज लिटमस, अ नेचुरल डाई. एक नेचुरल डाई है, ये हमें किससे मिल रहा है लिटमस, लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन. लाइकेन हमने पढ़ा है क्या होता है, एल्गी और फंजाई का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है उसको हम लाइकेन बोलते हैं. लाइकेन्स आपने देखे होंगे जो काई सी लगी रहती है, या फिर ग्रीनिश कलर की, ये पॉन्ड में या फिर जो स्टैगनेंट वाटर होता है वहाँ हमें मिलेगा, तो दिस इज लाइकेन. और इस लाइकेन से हम लिटमस को एक्सट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस एंड इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन्स. इसका कलर क्या होता है, इट इज़ मॉव इन कलर, पर्पल कलर का है इन डिस्टिल्ड वाटर. और जब हम इसको एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो ये क्या होगा, इट टर्न्स रेड, वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. और जब हम उसको बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो ब्लू कलर का टर्न होगा. ठीक है, तो नेचुरली वो एक पर्पल कलर का लिटमस है, और जब हमने उस पर एसिडिक सोल्यूशन डाला या फिर उसको एसिडिक सोल्यूशन में डिप किया तो वो इट विल चेंज इनटू रेड कलर, और अगर बेसिक सोल्यूशन है तो इट विल चेंज इनटू ब्लू कलर. तो आप बी से बी याद रख सकते हो कि अगर बेसिक है तो जो रिजल्ट आएगा हमारा ब्लू कलर का आएगा. ठीक है, ईजी है याद करना. नाउ अब ये हमने क्या है कि स्ट्रिप्स की फॉर्म में अवेलेबल है, आपने लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स देखी होंगी, ब्लू और रेड कलर की दो अलग 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 अवेलेबल है. तो हमने उसको कमर्शियलाइजेशन करने के लिए लिटमस को, कि इजीली हम यूज़ कर सकते हैं, उसको स्ट्रिप्स में कन्वर्ट कर दिया है. ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये लिटमस पेपर की स्ट्रिप है आपकी, एक ही रेड लिटमस है और ये हमारा ब्लू लिटमस है. दिस इज रेड लिटमस पेपर और ये हमारा ब्लू लिटमस पेपर है. तो जो रेड लिटमस पेपर को हम एक बेसिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो क्या होगा, इट विल चेंज इनटू ब्लू कलर. और अगर ब्लू लिटमस को चेंज डिप करेंगे बेसिक सॉल्यूशन में तो क्या होगा, वो ब्लू कलर का ही रहेगा. तो आपको ये याद रखना है कि अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो वो ब्लू कलर देगा. ठीक है, लिटमस के कलर से कंफ्यूज मत होना कि रेड है या ब्लू है. तो अगर रेड है तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर ब्लू लिटमस है तो वो ब्लू में ही रहेगा, इन विच केस बेसिक सॉल्यूशंस. ठीक है, जो बेसिक सॉल्यूशन होगा उसमें. और अगर हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है तो इसका वाइस वर्सा हो जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन में हमने देखा कि रेड कलर आएगा. ठीक है, तो रेड लिटमस अगर डिप करेंगे, मतलब रेड लिटमस को अगर हम डिप करेंगे हमारे एसिडिक सॉल्यूशन में तो क्या होगा, रेड कलर ही रहेगा, उसका कलर चेंज नहीं होगा. और ये जो ब्लू लिटमस है ये क्या होगा, ब्लू टू रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, कब, एसिडिक सॉल्यूशन में. ठीक है, लिटमस पेपर क्लियर हो गया है. नाउ यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं मैं कि किस में कौन सी एसिड प्रेजेंट है, आपको ये याद करना है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. ठीक है, तो विनेगर जो हमने देखा है, सिरका होता है, अपने चाउमीन में यूज़ करते हैं हम, काफ़ी सारे खाने की डिशेस में यूज़ करते हैं, उसमें कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है, इट हैज़ एसिटिक एसिड. ओके, और एंट्स स्टिंग, एंट हमें काट जाती है तो बहुत वो कहते हैं ना, ब्राउन वाली चींटी काट जाती है या मधुमक्खी काट जाती है, तो उसके स्टिंग में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होती है. ठीक है, फिर सिट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस एंड लेमन्स, मैंने बताया कि सिट्रस फ्रूट्स में कौन सी होती है, सिट्रिक एसिड होती है. ठीक है, कर्ड, कर्ड हमारी दही है, उसमें क्या है, लैक्टिक एसिड है. लैक्टिक एसिड, कर्ड में कौन से बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबेसिलस होते हैं, और उसी से क्या बना हमारा, लैक्टिक एसिड बना. ओके,
स्पिनच में हमारी ऑक्जैलिक एसिड प्रेजेंट है, आमला और सिट्रस फ्रूट्स में विटामिन सी भी होता है और एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड को क्या बोलते हैं, विटामिन सी बोलते हैं। टैमरिंड है, ग्रेप्स है, अनराइप मैंगोज है, इन सब में टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होती है, ठीक है। ऑल दी एसिड्स मेंशन अबव अकर इन नेचर, ये सब नेचुरली प्रेजेंट है ना, सब नेचुरल फ्रूट्स है हमारे, वेजिटेबल्स है, स्पिनच है जैसे, तो ये सब नेचुरली है। और ये कुछ बेसिस हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये लाइम वाटर में मिलेगा आपको, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर जो हम कॉलिन वगैरह यूज़ करते हैं विंडो या ग्लासेस क्लीन करने के लिए, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। जो सोप्स आप यूज़ करते हो उसमें क्या होता है, बेस होता है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये कब देते हैं, जब एसिडिटी हो जाती है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये, ठीक है। तो बेस देते हैं, बेस क्यों देते हैं कि जो एसिड है उसको न्यूट्रल कर दे, और इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ एसिड्स के नाम है और ये किस चीज़ में प्रेजेंट है ये गिवन है, आपको ये याद करनी होगी, ठीक है। नाउ जो हमारे न्यूट्रल सॉल्यूशंस है, मतलब कि जो एसिडिक भी नहीं है और बेसिक भी नहीं है, जिनका फिजिकल नेचर जो कैरेक्टर है वो न्यूट्रल है, उसको वो लिटमस पेपर के साथ कोई कलर चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। द सॉल्यूशंस व्हिच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशंस। आप हायर क्लासेस में पीएच पेपर के बारे में पढ़ोगे तो उसमें स्केल होता है 0 to 14, तो जो 7 पे आएगा वो न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं, और 0 to 6 वाले जो है वो एसिडिक होते हैं, एंड देन 8 से मतलब 7.1 से 14 तक जो रहेंगे वो बेसिक होते हैं। तो ये आप हायर क्लासेस में डिस्कस करोगे, अभी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो न्यूट्रल सॉल्यूशंस क्या हैं, जो हमारे एसिडिक भी नहीं है और बेसिक भी नहीं है, जो न्यूट्रल है बिल्कुल टेस्ट में, उसको हम कहेंगे न्यूट्रल सॉल्यूशंस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज टर्मरिक। टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक क्या है, टर्मरिक हमारी हल्दी है जो कि हर किसी की किचन में मिलेगी, एंड इट इज़ येलो इन कलर, है ना। तो आपको क्या करना है, हल्दी का पेस्ट बनाया और उसको आप उस पर बेस डाल के देखो और एसिड डाल के देखो, तो एसिड में तो आपको नो कलर चेंज, कि कोई कलर चेंज नहीं विजिबल होगा, पर जब हम उस पर कोई बेस डालेंगे, जैसे बेस हमने अभी किस में डिस्कस किया कि सोप सॉल्यूशन में, सोप में बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो जब हमने सोप का थोड़ा सा वो डाला उस पर, तो इट विल चेंज रेड इन कलर, ठीक है। इट इज इट टर्मरिक जो है येलो से रेड कलर में चेंज हो जाएगी, दिस शोज कि वो जो सब्सटेंस है वो बेसिक है नेचर में और एसिड को वो चेंज नहीं करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये भूजो बता रहा है, नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई अ टर्मरिक स्टेन ऑन माय वाइट टी शर्ट इज टर्न टू रेड व्हेन इट इज वॉश्ड विद सोप, कि अगर टी शर्ट पे आपके टर्मरिक स्टेन लग गया और उसको हमने सोप से वॉश किया तो वो हटेगा नहीं बल्कि रेड कलर में चेंज हो गया। तो ये किस वजह से हुआ, इट इज बिकॉज द सोप सोल्यूशन इज बेसिक, कि हमारा सोप सोल्यूशन क्या है, बेसिक है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये हल्दी अगर आपने इस पेपर पे लगाई है टर्मरिक, और जो हमने सॉप सॉल्यूशन लिया है, तो ये रेड कलर में चेंज हो रहा है, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज चाइना रोज एज अ इंडिकेटर। चाइना रोज भी हमारा इंडिकेटर का काम करता है। चाइना रोज सबने देखा होगा ये फ्लावर, और डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस में डिफरेंट कलर देगा। लेट्स सी, जो चाइना रोज है इट टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक। अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो कौन सा कलर आएगा, डार्क पिंक आएगा, और अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो ग्रीन कलर आएगा। तो आपको टेस्ट ट्यूब्स में डाल के देखना है, मान लो दो टेस्ट ट्यूब हैं, एक में एसिडिक सॉल्यूशन एक में बेसिक सॉल्यूशन है, और चाइना रोज की ड्रॉपर से आप दो दो ड्रॉप डालोगे सॉल्यूशन की, तो फिर वो अगर एसिडिक है तो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा, और अगर बेसिक है तो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये सब एक्टिविटीज़ हैं, आप इन एक्टिविटीज़ को लैब में पॉसिबल है, आप लैब में ही करना, सारे केमिकल्स हमें टेस्ट नहीं करने होते हैं बिकॉज दीज आर हार्मफुल, तो हमें इंडिकेटर्स की ज़रूरत है, ओके। आई होप ऑल दीज टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड रेस्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।